Name of Allah Almighty. Today, return of the native, and question number 4 from acute novel Daniel publisher. Eustachia. Character of Eustachia. Eustachia is a successful woman character. Hardy ने जितने भी character बनाए हैं, Eustachia एक successful character बनाया है उसने. कामयाब करैक्टर है. एक करैक्टर है विलन, एक करैक्टर है हीरो. हीरो को जिगेंटिक और फुल ऑफ क्वालिटीज बनाना आसान है. विलन को फुल ऑफ फुलीज या वल्गैरिटी बनाना आसान है. बट बोथ आर नॉट नेचुरल आर लाइक ह्यूमन. जितने भी इंसान होते हैं उनके अंदर वाइसेस भी होती हैं, वर्चूज भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं. एक विलन बदमाश है लेकिन वो एक गुड फादर भी हो सकता है. गुड फादर की क्वालिटीज हो सकती है, गुड लवर भी हो सकता है. ओके सो ये उस वक्त की बड़ी महारत थी कि ऐसे करेक्टर जनरेट किए जाएँ जो एट द सेम टाइम ह्यूमन हों विद ऑल वॉइसेज एंड वर्चूज. तो ये एक अहम काम था. इसीलिए Eustachia के अंदर हमें लैक्स के बावजूद उसके साथ कुछ सम्पैथी फील होती है. आप उसे सम्पैथी फील करते हैं. वाई ही इज ट्रू टू वैमेन सक्सेसफुल. इसीलिए वैमेन करेक्टर. तो ऐसा करेक्टर क्रिएट करना उस वक्त के मुताबिक डिफिकल्ट था. अभी तक हम पाकिस्तानी लोग ऐसा करेक्टर क्रिएट करने के हक में नहीं हैं, ना ही करते हैं. हम या विलन क्रिएट करते हैं या हीरो क्रिएट करते हैं, ट्रू टू मैन क्रिएट नहीं करते हैं. इसीलिए हमारी सोसाइटी में फॉरगिवनेस का एलिमेंट कम है. हम किसी को समझते हैं कि ही इज अ टीचर, देन हम कहते हैं रियलाइज करते हैं कि ही शुड बी लाइक गॉड. ये देवता की तरह है विदाउट एनी लैक. और ये स्टूडेंट है ये विकेट नील और डल आदमी है. ये कभी स्कॉलर की बात कर ही नहीं सकता. तो ये अजीब से कंट्रास्ट है. ओके तो एलाबरेट करना है, वाजे करना है इसको. आइए आंसर पढ़ते हैं. हार्डीज मोस्ट सक्सेसफुल वैमेन करेक्टर इज Eustachia. Eustachia सक्सेसफुल करेक्टर है विच इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड Eustache. Eustache से ये लफ्ज लिया गया है. Eustache means a change in the level of the sea all around the world. पूरी दुनिया में समंदर की सतह में जो तब्दीली आती है उसको Eustache कहते हैं. और Y indicates the character's combative stand. और Y का लफ्ज ये इंडिकेट करता है, इशारा देता है कि करेक्टर जो है वो दो बदो लड़ाई करके स्टैंड लेता है अगेंस्ट वर्ल्ड, दुनिया के सामने, यानी कि दुनिया से मुकाबले करने वाले को वाई कहते हैं. जब कोई दुनिया के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा तो वाई का लफ्ज इस्तेमाल होता है. वैसे अगर प्रोनाउंसिएशन के तौर पर देखें वाई क्यों, तो Eustache का मतलब पूरी दुनिया में समंदर के लेवल में तब्दीली. तो इस नाम से भी इस करेक्टर की ग्रैंड पर्सनैलिटी का अंदाज़ा होता है कि उसके अंदर कोई तब्दीली है. अगर Eustachia का मुकाबला टेस्ट से किया जाए तो टेस्ट के साथ रॉन्ग होता है मुसलसल. उन रॉन्ग्स में वो सरवाइव करती है. उन रॉन्ग्स के बावजूद वो रहती तो है लेकिन फेट गॉड से गिला करती है. लेकिन उसके अंदर डिज़ायर है लेकिन इस तरह जंपिंग डिज़ायर नहीं है जिस तरह के इसके अंदर है. तो Eustachia इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल है टेस्ट के मुकाबले में बिकॉज इसके अंदर डिज़ायर्स और डिज़ायर्स को फुलफिलमेंट करने के लिए, डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के लिए वो आगे भी बढ़ती है, स्टेप भी लेती है. सो दैट इज़ मोर सक्सेसफुल करेक्टर. Eustachia इज फील्ड विद रोमेंटिक ड्रीम्स ऑफ मैन. तो आपने ऊपर वाले पैराग्राफ को अगर इन्हेंस करना हो, मजीद उसको एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या कहेंगे? येस Eustachia हैज़ ऑल्सो सम क्वालिटीज ऑफ चेंज. तब्दीली की क्वालिटीज थी. शी वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. शी वॉन्ट टू चेंज द लैंड प्लेस समवेयर एल्स. शी वॉन्ट टू लिव.
तो आप ये जब बातें कहेंगे साथ जोड़ सकते हैं इसके साथ कि समंदर के लेवल में तब्दीली और इसका नाम और वाकई क्या उसके करैक्टर के अंदर ऐसी कोई चीज़ थी। ओके, यूस्टाशिया इज फिल्ड विद रोमांटिक ड्रीम्स ऑफ अ मैन, वो रोमांटिक ड्रीम के अंदर महव है और वो किसी मर्द का ड्रीम देखती है। हु विल लव हर टू मैडनेस, वो ख्याल करती है कि वो ऐसा शख्स हो उसकी ज़िंदगी में जो दीवानों की तरह पागलों की तरह उससे मोहब्बत करे। एंड टेक हर अवे फ्रॉम हीथ, और वो उसे हीथ से दूर परे कहीं ले जाए। यूस्टाशिया इज डिस्क्राइब्ड एज, यूस्टाशिया को डिस्क्राइब किया है थॉमस हार्डी ने इस अंदाज में, शी इज फुल लिम्ब्ड एंड समवट हैवी। हाय 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 हाय, क्या कहने, एक ही सेंटेंस के अंदर कैसी कैसी अंदाज है। शी इज फुल लिम्ब्ड, लंबे फुल लिम्ब्ड, फुल साइज उसके लिम्ब थे, बाजू थे, एंड समवट हैवी, थोड़ी सी वो हैवी भी थी। दैट इज आई थिंक द पिक्चर और ग्राफिक्स, दैट इज कम्प्लीट ग्राफिक ऑफ अ आइडियल वैमन, के ऊंचा निकलता हुआ कद, फुल लिम्स बाजू, और फिर समवट हैवी, थोड़ी सी हैवी, दैट इज आइडियल फिगर ऑफ वैमन। लेकिन कितनी स्पेस ली है ये बात बताने में, जस्ट मेखल में एक सेंटेंस लिया है उसने और कैसा करेक्टर खड़ा कर दिया सामने। विदाउट रूडीनेस, और उसके अंदर रेडिश कलर नहीं है, उसका चेहरे के ऊपर ब्लश नहीं है रेडिश, जैसे सन्ना को डांटो तो फिर आ जाता है, ठीक है। एज विदाउट फेलर, और वो पीले रंग की भी नहीं है, पेल भी नहीं है, रेडिश भी नहीं, पेल भी नहीं, क्रीमी कलर फिर होगा, क्रीम। एंड सॉफ्ट टू द टच एज अ क्लाउड, टच करें तो ऐसा लगता है जैसे बादल को छू लिया आपने, ठंडे बादल को, सॉफ्ट, क्वाइट सॉफ्ट। तो ये आप याद रखेंगे कि हर राइटर अपनी हीरोइन को क्या रंग देता है, क्या उसकी इमेजिनेशन खड़ी करता है। जब नावल लोग पढ़ते हैं तो उस वक्त मूवीज़ का रुझान नहीं था, नावल क्योंकि 18 सेंचुरी की बर्थ है, तो उस वक्त लोग इमेजिनेशन अपने बिस्तर पर बैठ के करते थे, तकियों के साथ लगे हुए जब वो नावल पढ़ते थे तो पूरी मूवी उनके जहन में चलती थी। जब इस तरह करेक्टर की एलिब्रेशन होती थी तो पता चलता कि अच्छा, फुल लिम, समट हैवी, ओके, और सॉफ्ट लाइक क्लाउड, रेडिश नहीं है, पेल नहीं है, तो करेक्टर इंसान की इमेजिनेशन में जनरेट होता था। जब इनकी मूवीज़ बनने लगी नावल्स की, तो डायरेक्टर्स के लिए बड़ा काम होता था, और डायरेक्टर्स वो नहीं होते थे बस करैक्टर पकड़ा खड़ा कर दे और कहानी बतानी, नो, सेंसिटिव डीलिंग है, करैक्टर सेलेक्ट करना है, करैक्टर में ये चीज़ होनी चाहिए, और डायरेक्टर इतना एक्सपर्ट है, इतना डूब चुका है उन करैक्टर्स में, हर चीज़ को मैनेज करता है, कैसी शक्ल और सूरत कैसा उसे बनाना है, ये बड़ा टास्क होता है। नावल की मूवी बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है, हर चीज़ को मद्देनजर रखना चाहता है, इवन के थीम को भी मद्देनजर रखा जाता है कि थीम भी स्कैटर्ड ना हो जाए। एंड बोज शी सेट, और वो बोट, कश्ती जिस पर वो बैठी होती है, वाज लाइक अ बर्नेस थ्रोन, ऐसा लगता था जैसे उस वो तख्त हो और तख्त को आग लगी हुई, बर्न इन द वाटर, और ये तख्त पानी के अंदर जैसे जल रहा हो। द पोप्स वर बीटन, और बैक साइड जो है जैसे वो बीटन गोल्ड की हो, सोने का उसका थ्राउन का बैक साइड जो है वो सोने की हो, पर्पल हो, द सेल, सेल्स जो ऊपर बादबान लगे हुए हैं पर्पल कलर के हो। अब उसने क्या किया है, उसने बताया है कि अगर ये करैक्टर जो है बोट के अंदर बैठा हो तो ऐसे लगेगा जैसे बोट को आग लगी हुई है, ऐसे लगेगा पानी के ऊपर आग तैरती हुई जा रही है, सेल पर्पल कलर का है और कश्ती का पिछला हिस्सा गोल्डन रंग का है, गोल्डन। अब उसने क्या किया, यूस्टाशिया को उसने एक ऐसे फ्रेम में बिठाया है तो ऐसा लगता है जैसे कोई देवी जा रही हो, जैसे कोई देवी जा रही हो, उसे इस फ्रेम में सेट किया उसको कि ऐसा करैक्टर था
कि बस इसी फ्रेम में ही सेट हो सकता है, बैठ सकता है। तो इस लाइन से क्या किया है राइटर ने, उसको कहा है कि शी इज अ गॉडेस, लाइक गॉडेस शी वाज। स्टाशा हैज पैगन आईज, स्टाशा की आंखें ऐसी थी जैसे किसी लादीन की आंखें होती हैं, जैसे खुदा पर बिलीव ना रखने वालों की आंखें होती हैं। ये भी एक स्ट्रेंज बात है कि अगर आप रशियन पीपल को मिलेंगे, उनकी आंखें देखेंगे, तो क्योंकि वो गॉड पर बिलीव नहीं रखते, तो उनकी आंखों के एंगल्स कुछ और होंगे, उनकी आंखों के एंगल्स कुछ और होंगे। आप अगर किसी ऐसे शख्स को मिलेंगे जो देवियों पर या बुतों पर यकीन रखता है, बुत परस्त है, उसकी आंखों के एंगल्स कुछ और होंगे। जो मस्त खलाएं मेरे सजदे करता हूँ आफाक परस्ती, जो वो वाले लोग होते हैं उनकी आंखें कुछ और जावियों की होती हैं। तो ये भी होता है क्या, जैसे कि हेलन केलर ने कहा था, उसने कहा था कि मैं देखूंगी कि अपने लॉयल डॉग्स की आंखों में देखूंगी और देखूंगी कि वफादार चीज़ों की आंखें कैसी होती हैं, कुत्तों को देखूंगी और समझूंगी कि वफादार चीज़ों की आंखें कैसी होती हैं। तो यहाँ भी वो कहते हैं कि पैगन आइज, लादीन जिस तरह लोग होते हैं जिनको गॉड पर यकीन नहीं होता बल्कि फिजिकल रियलिटी पर यकीन होता है, फिजिकल एटमॉस्फेयर पर यकीन होता है, उनकी आंखें शायद डिफरेंट होती हैं, शायद खुली होती हैं थोड़ी सी, शायद वो सामने हर चीज़ को अपनी आंखों में समाये हुए होती हैं, शायद उनका रुख आसमान की तरफ नहीं होता बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट फोकस होता है, शायद ऐसा कुछ होता है। फुल ऑफ नॉक्टर्नल मिस्ट्रीज, अच्छा नॉक्टर्नल कहते हैं रात को, और रात के सारे पुरस्रार राज लिए हुए थी, उसकी आंखों के अंदर रात के राज थे। पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे कीमती आंख है, सबसे कीमती आंख है वो ब्लैक आई है। ये आपको हैरत होगी, हालांकि हम पाकिस्तानी पीपल ये लाइक करते हैं कि हमारी आंखें ब्राउन हों या किसी और कलर की हों, ग्रे कलर की हों, जिससे अंग्रेज़ों की होती हैं। तो अंग्रेज़ जो हैं वो ब्लैक आई को पसंद करते हैं। ब्लैक आई सिर्फ यहीं पाई जाती है, पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती है, ये इंडियन आई है। और वो लड़की जिसकी आंखें ब्लैक होती हैं, ब्लैक आंखों वाली लड़की जब वो उन मार्केट्स में उनकी सेल परचेज होती है, औरतों की भी सेल परचेज होती है ना, एक मार्केट है दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डांस के लिए या मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, तो ब्लैक आई वाली ब्लैक बॉल के साथ जो आँख है और लड़की है उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो क्या कहती है कि रात की सारी मिस्ट्रीज उस आंखों के अंदर हैं, वो आंखें काली आंखें। टू सी हर हेयर इज टू फैंसी दैट, उसके बालों को देखकर ये तखय्युल आता है, ये ख्याल आता है, दैट अ होल विंटर डज नॉट कंटेन डार्कनेस इनफ टू फॉर्म इट्स शेडो, कि पूरी सर्दियाँ अगर इकट्ठी भी हो जाएं तो इन बालों की डार्कनेस का साया नहीं बना सकते। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि बाल जो हैं वो स्याह इंतहाई स्याह है या रात जैसे स्याह हैं, तो उसने ये नहीं कहा, उसने कहा सारी सर्दियों का जाड़ा। अब इंग्लैंड की सर्दी को अगर आप याद करेंगे तो वहाँ पर बादल इंतहाई नीचे और इंतहाई घंगूर किस्म के काले स्याह बादल और पाइल आफ्टर पाइल होते हैं, वहाँ से बादलों को देखकर लगता है कि इन बादलों में को पार करने का कोई रास्ता नहीं होगा, और तेज़ हवा और उसके बाद बादल बारिश और फ्रॉस्ट और फॉग, ये सारे एलिमेंट उसमें शामिल होते हैं उस जाड़े में, हैं उस सर्दी में, और एवरीडे बारिश एवरीडे बादल डेली बेसिस पर, वो एक ठंडी सी डार्कनेस होती है उस बादल के अंधेरे की। जब बादल छाए जाते हैं अंधेरा तो होता है लेकिन वो ठंडा अंधेरा होता है। वो कह रहे सारे सर्दियों का बादल
मिल जाए और डार्कनेस क्रिएट करे तो वो डार्कनेस क्रिएट नहीं हो पाएगी जो कि उसके बालों को देखकर महसूस होती है। ठीक है, द चैप्टर क्वीन ऑफ नाइट, एक चैप्टर उसने लिखा क्योंकि चैप्टर वाइज नावल है तो एक नावल का टाइटल उसने दिया क्वीन ऑफ नाइट, रात की क्वीन। इज डिवोटेड फॉर युष्टाशिया वाय, युष्टाशिया वाय के लिए डिवोट किया गया। वेयर शी इज अ स्ट्रॉन्ग बट एबनॉर्मल पर्सनैलिटी, जहाँ पर जिसमें दिखाया गया कि वो स्ट्रॉन्ग थी लेकिन एबनॉर्मल पर्सनैलिटी थी। अ वल्गर बटरफ्लाई, वो एक जंगली बटरफ्लाई की तरह दिखाई गई। फुल ऑफ लस्ट, लस्ट से भरी हुई है, वो एक जंगली बटरफ्लाई दिखाई है। उसने स्ट्रॉन्ग दिखाया, इसे एबनॉर्मल दिखाया है, फुल ऑफ लस्ट है। तो अब हमें ये क्वीन ऑफ नाइट है तो क्या ये एबनॉर्मल करेक्टर है, गलत करेक्टर है? यस। फुल ऑफ लस्ट है, बुरी बात है? यस। तो क्या वल्गर है? यस। इज नॉट दैट नेचुरल? दैट द क्वेश्चन। भाई मैं योगा करवा रहा हूँ तो पीछे से फुटबॉल एक लड़के ने मारी है ज़ोर से और वो फुटबॉल सीधी हमारी एक योगी भाई को लग गई है, और वो नौजवान योगी भाई थोड़ा सा महज़ब अंदाज में कह रहा है, यार आपको समझाया भी है कि यहाँ पर आप फुटबॉल ना खेला करें। फुटबॉलर को कह रहा है, फुटबॉलर को कह रहा है ओए की हो गया है, लगी गई है ना, फिर की हो गया है? तो उसने ऐसे कहा, की हो गया है, लगी गई है तो फिर की होया है, बॉल ही सी ना। तो वो फुटबॉल लेकर चला गया और ये गुस्से से लाल पीला हो गया जो हमारा योगी भाई था। तो आगे से कहते हैं, योगी भाई हमारा तमीज़ ही नहीं है इस बंदे को, ये देखो इंसान है, तवीज़ नहीं है, इंसान नहीं है। मैं उसे कह रहा हूं असल इंसान यही है, हम नकल हैं। असल इंसान तो ऐसे की हो गया है, बाल ये लग गई है ना, फिर की हो जाए। असल इंसान यही है, वल्गर है हम कल्टीवेटेड हो गए ना, हम मैनेज्ड हो गए। स्कूल में अम्मी ने भेजा, उधर टीचर ने कहा खबर और सीधे होके बैठो, कमर सीधी, सर सीधा, लिखो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये नहीं किया। वो ने कल्टीवेट होते गए, अपनी असल वल्गैरिटी से दूर होते गए और 25 साल 30 साल घर में गुजार देते हैं बिल्कुल शर्महया के साथ, आवाज़ भी नहीं उठाते। क्यों? आवाज़ हमारी दबाने की और हमें प्रैक्टिस होगी किसी के आगे आवाज़ अपनी नीची रखने की, वगरना तो इंसान के अंदर सारे एलिमेंट मौजूद हैं, नेचुरल लस्ट भी है उसके अंदर, वल्गैरिटी भी है। वो तो लड़कियां अगर ओरिजिनल हालत में उनको बड़ा किया जाए, पिंड के अंदर लड़कियों की शादी जल्दी नहीं हो जाती, क्यों हो जाती है? तालीम कम होती है, कल्टीवेट कम होती है, वो बस थोड़ी सी बड़ी होती है शादी और बातें करना शुरू कर देती है, मेरी शादी तो फ़लानी शादी होगी तो फ़लानी की शादी होगी, तो बात शुरू होते उनको पता चल जाता है इसकी शादी करने में, करना ये या भाग जाएगी या पिस्तौल उठा लेगी। फिर पता क्या होता है, एक और चीज़ होने वाली है कि जो चीज़ हम सबके सामने नहीं करना चाहते वो कर देती है और हम लोगों को थोड़ा सा बुरा फील होता है कि ये पॉइंट यहाँ पे शेयर करने वाला नहीं होता। सही कह रहे हैं, तो वो कर देती है आगे, अगर वेमेन भी हो फिर भी लगता है कि ये चीज नहीं थी तो वो कर, वो लोगों को ये नहीं कि आम रूटीन इस तरह करते हैं वो कर देते हैं, फ्रीली बात कर देती है जो हम लोग नहीं कह सकते, और हम उन्हें कहते हैं कि बात तहजीब है। दरहकीकत वो असल ह्यूमन होता है, हम कल्टीवेटेड हो चुके होते हैं ना। नहीं, अगर इंसान कल्टीवेट होता है तो ये भी तो नेचुरली बात है ना, ये चीज भी तो अल्लाह ने इसके अंदर रखी है। नहीं, ये आर्टिफिशियलिटी है, इसको हम अपने नॉर्म्स कल्चर अपने बेनिफिट के लिए कल्टीवेट करते हैं। गॉड ने कल्टीवेशन हमारे अंदर नहीं रखी, इसीलिए तो पूरी एक किताब आपको दी, फिर एक किताब दी, फिर एक किताब दी कि इंसान कल्टीवेट रहे, नेचुरल पैदा करने के बाद फिर आर्टिफिशियल कल्टीवेशन साथ दी है।
कि भाई इस तरह मैनेज करो, इस तरह रहो, इस तरह रहो। एक दिलचस्प मामला है, पर इष्टाशय के अंदर वो सारा कुछ था। इष्टाशय एक्ट्स एंड बिहेव्स लाइक नेचुरल वेमेन। इष्टाशय एक नेचुरल वेमेन की तरह एक्ट करती है, बिहेव करती है। शी इज फुल ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, वो पूरे खून, पूरे गोश्त पोश्त के साथ है। जो इंसान के गोश्त की डिज़ायर है, इंसान की जो बॉडी है इसकी भी जो डिज़ायर है ना, वो सारी डिज़ायर के साथ है। शी इज़ नॉट एन एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्चूज, वो नेकियों का मजमूआ नहीं है। नॉर कम्प्लीटली वाइसेस, ना ही मुकम्मल तौर पर वो बुराइयों का मजमूआ है। शी हैज़ ट्रू ह्यूमन नेचर, उसकी तो ट्रू ह्यूमन नेचर है, असल ह्यूमन नेचर है, जिस तरह के होनी चाहिए। 6. इष्टाशय कमिट्स सिंस इन ग्रैंड मैनर, इष्टाशय ने गुनाह किए ग्रैंड मैनर में। वेल्डीव के साथ उसका अफेयर होना, दैट वाज अ सिन, और अपने हस्बैंड के साथ डिसलॉयल होकर वहां से भागना, दैट वाज सिन। लेकिन वो बोल्ड होकर ये गुनाह करती है। शी नोज वेल दैट शी इज डूइंग रॉन्ग, वो जानती है कि वो गलत कर रही है। एंड शी इज डूइंग इट विद कॉन्शियंस, और वो इसे कर रही है कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब ज़मीर, और वो उसे पूरे ज़मीर के साथ, अपने दिल के साथ करती है। बट वी डू नॉट डिसलाइक हर, लेकिन हम उसे फिर भी नापसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये इष्टाशय किसी तरह निकल जाए, जो इतनी स्ट्रगल कर रही है, उसके अंदर जो डिज़ायर है, जो ख्वाहिश है, वो पूरी करना चाहती है, तो वो हो जाए पूरी। अगर यहाँ पर एक लड़की मुझे याद आ गई है, आपकी मैम की दोस्त भी है, वो मेरी स्टूडेंट भी है। शी वॉन्ट टू गो अब्रॉड, अब्रॉड जाने के लिए उसने वाकई एक आदमी के साथ शादी की है, मुझे तब याद आ रहा है। उसने एक आदमी के साथ शादी भी की है जो कि जर्नलिस्ट है, और शादी के बाद से पता चला कि उसे तो उन्होंने आधे कमरे के अंदर बाउंड कर दिया है, और बाहर जाने वाला सीन उसके साथ नहीं है। वो तो सारी ख्वाब निकली, सारी बातें हमारी बातें तुम्हारी बातें, ठीक है, तो वो ख्वाब निकल आई सारी बातें। तो शी इज़ नाउ अपसेट नाउ, कि उसकी फैमिली कहते हैं कि तुम्हारे घर औलाद होनी चाहिए, और वो सोचती है कि मैंने तो बाहर जाना था, मैंने शादी भी इसलिए की थी। नाउ दैट इज स्ट्रेंज डिलेमा विद हर, कभी वो ये सोचती है, कभी वो सोचती है। तो ऐसे करैक्टर के साथ देखा जाए तो सिंपैथी होती है, कि वो अपनी हॉट डिज़ायर को पूरा करने के लिए जो कोशिश कर रही थी वो उसमें पूरी नहीं उतर सकती। तो इष्टाशय भी तो ऐसा कर रही थी, वो कहीं जाना चाहती थी, उसकी हॉट डिज़ायर थी, तो दिल चाहता है, सिंपैथी होती है, हम उसे नापसंद बिल्कुल नहीं करते, वो जो भी कर रही होती है, क्योंकि जिंदा सलामत एक ख्वाहिश के साथ वो होती है। और फिर जब एक इंसान आप कंसीडर कर देते हैं वेमेन को, तो जब इंसान और इक्वल कंसीडर करेंगे उसे, तो विद ऑल डिज़ायर्स ऑल विश उसके साथ उसे कंसीडर करेंगे। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, कोई चीज़ करना चाहती है वो, तो फिर मौका भी देना पड़ेगा। वैसे भी एक बात है, बकरी आपके लिए ज़िबा क्यों हो जाए, कि आप ताकि मज़ा लें, सोचने की बात है। बैल आपके लिए रेडी क्यों खींचे, इसलिए कि आप सुकून में हों। औरत अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो क्यों कर दे, ताकि आपकी घर का साइकिल चले और एक शख्स जो है वो डोमिनेंट हो। वाह, ये तमाम चीज़ें ह्यूमनिस्टिक बातें हैं, ज़्यादा दिल पर और दिमाग पर नहीं लेनी, बस थोड़ी थोड़ी लेनी है लिखने की हद तक। हर जगह ओवरऑल अगर दुनिया को देखा जाए तो वैसे मेल डोमिनेंसी अभी भी कायम है, लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस सेंचुरी ये बहुत रिड्यूस हो गई है। दुनिया पूरी में अब ये चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, लेकिन अभी भी वेमेन आपकी इक्वल नहीं ठहरी हुई, वीक है अभी भी। क्या कि मेरी आधी औरत जो है वो अभी जंजीरों में, इसलिए क्या
अच्छा वो थी एडन रिच कहती है। एंड यूस्टाशिया फ्लैश गवर्न द स्पिरिट, यूस्टाशिया के अंदर उसका गोश्त पोश्त ये चीज़ हुकूमत करती है उसकी रूह पर, ना कि रूह हुकूमत करती है। उसके गोश्त पोश्त के तकाजे, वो क्या देखना चाहती है, वो कहाँ रहना चाहती है, कौन सी लग्जरीज देखना चाहती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। शी डिस्क्राइब्स हर सेल्फ, वो अपने बारे में कहती है, एज फॉर एज द सोशल इथिक्स आर कंसर्नड, जहाँ तक के सोशल इथिक्स का ताल्लुक है, माशरती अखलाकियात का जहाँ तक ताल्लुक है, अच्छी बातों का ताल्लुक है, यूस्टाशिया अप्रोच्ड द सेविज स्टेट, तो यूस्टाशिया इस माशरे के अंदर एक वैशी है, जो इन इमोशन अपने जज्बात में गो के अपने जज्बात में, अगर ये माशरा सारा का सारा सिविलाइज है तो समझो कि यूस्टाशिया वैशी औरत है। She was all the while an epicure, और वो हर तरह से epicure है। Epicure mean epicure, हर चीज़ को खा जाने वाली है। गोरमे का मतलब यही होता है food lover, epicure, वो food lover है, गोश्त पोस्त को खुश करने वाली है। She does not like the life in Egdon Heath. वो Egdon Heath में अपनी ज़िंदगी को पसंद नहीं करती थी। Egdon was her hate. Egdon उसकी नफ़रत थी। She longs to be in pompous city like Paris. Spelling ठीक करेंगे, I think ये गलत है, क्योंकि वो she longs to be a pompous, वो एक पुरौनक ज़िंदगी जीना चाहती थी Paris के अंदर। अब तो पेरिस आपको याद हो गया होगा, पिछले दिनों से टीवी पर 3 दिन से पेरिस बड़ा आ रहा है, तो वो फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो ब्लास्ट हो गया है, तो दुनिया एक बार फिर झटका खा गई है कि इतने ज़्यादा लोग हमारे मार दिए गए हैं टेररिज्म। ठीक है, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा करता टोमी हैं, हमारे बंदे 250 मर जाएँ तो दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, और टोमी मर जाएं तो ये तो इंसानियत पर हमला है। असि तो पहले जान छुड़ा रहे हैं साढ़ा के कम। She can't bear the loneliness, और वो तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, एंड नॉट एट ऑल इज इंटरेस्टेड इन नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, और वो कंट्री साइड की नेचुरल ब्यूटी में इंटरेस्टेड नहीं थी, देहात की खूबसूरती में इंटरेस्टेड नहीं थी। She once says about Egdon Heath, Egdon Heath के बारे में उसने एक बार कहा था, This is my cross, ये है मेरा तख्तादार, cross, my shame, ये मेरी शर्म है, यानी कि मुझे यहाँ पर रहते हुए शर्मिंदगी है, एंड विल बी माई डेथ, और यहीं पर मेरी मौत हो जाएगी। वो पहले से प्रोफेसी भी कर रही है, यानी कि मैं अगर मज़ीद यहाँ पर रही तो मर जाऊँगी, मे बी वो ये भी कहना चाहती है। बट आफ्टर मैरिज द अलूजन इज़ कम्प्लीटली शैटर्ड, लेकिन शादी के बाद सारे के सारे ख्वाब बिखर गए। When Clem selects himself as a schoolmaster, जब Clem ने कहा कि I will be schoolmaster now, मैं यहाँ private school खोलूँगा, तो सारे ख्वाब यूस्टाशिया के dead हो गए, shattered हो गए। The last blow for her hopes to escape from Egdon was the semi-blindness of Clem, और आखिरी जो उम्मीद थी कि मैं Clem को किसी न किसी तरह से राज़ी कर लूँगी पेरिस जाने के लिए, वो होप उस वक्त ख़त्म हो गई जब Clem सेमी ब्लाइंड हो गया। देन शी ट्राइज वेल डीफ बट फेट, फिर उसने वेल डीफ को ट्राई किया, कोशिश की वेल डीफ को, लेकिन किस्मत फेट उसकी, फिर आगे आप इसे इन्हेंस कर सकते हैं, मज़ीद आप एलाबोरेट कर सकते हैं, लेकिन फेट क्या थी,
और रेन विंड स्टॉर्म वाटर दैट 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 और व्हाट हैपेंड ओवर देयर, तो सारा वाक्य आप जोड़ सकते हैं इसके साथ. शी ऑल्सो बिकम्स द कॉज ऑफ द ट्रेजडी ऑफ अदर करेक्टर्स इन द नावल. नावल के अंदर दूसरे करेक्टर्स के लिए भी वो ट्रेजडी का बायस बनी है, जैसे कि मिसेज यूब राइट की ट्रेजडी जो स्टाशिया की वजह से है, वेल्डीफ की ट्रेजडी जो स्टाशिया की वजह से है, इवन के थॉमसन की भी ट्रेजडी स्टाशिया की वजह से है. वेल्डीफ अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट ना होता तो वो हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजारता थॉमसन के साथ. पीपल ऑफ एग्डन हीथ बिलीव दैट यूस्टाशिया इज अ विच. लोग ये यकीन रखते थे, एग्डन हीथ के लोग, कि यूस्टाशिया एक चुड़ैल है. सुसन नन सच यूस्टाशिया नियरेस्ट नेबर. यूस्टाशिया की करीब तरीन नेबर थी कौन थी? सुसन नन सच एंड बिटरेस्ट बिटरेस्ट एनिमी, और वो उसकी सबसे सख्त दुश्मन भी थी. हु कन्वेंसेस हरसेल्फ, और इस नेबर ने या दुश्मन ने या सुसन ने अपने आप को कायल कर रखा था दैट यूस्टाशियाज विचरी हैज कॉज्ड हर सन सिकनेस, कि यूस्टाशिया जो ये चुड़ैल पूना करती है, चुड़ैल के चक्कर चलाती है, चुड़ैल पूना जो ये करती है, इससे उसका बेटा बीमार हो जाता है या बीमार हुआ है जोनी. क्या वो एक्शन भी उसके वैसे थे ना, जब तन्हाई होती वहां पर वो पाई जाती, और जहां पर आग जल रही होती वहां पाई जाती, कभी किसी लड़के को हाथ देकर ठहरी हुई होती थी. तो मुख्तलिफ जगहों पर वो पाई जाती है, जिसकी वजह से उस पर अंदाज़ा किया जाता है कि शी इज़ अ विच. और उसके बाल भी इस तरह के हैं कि वो घने ब्लैक बाल हैं उसके. फिर बहुत सारे मर्द भी उसके पीछे दीवाने हैं, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने जाती हैं तो उसको विच कंसीडर करते हैं. इन अ मेमोरेबल सीन, यादगार सीन ये, सुसन ट्राइज टू प्रोटेक्ट हर सन बाय मेकिंग अ वैक्स डॉल ऑफ यूस्टाशिया. सुसन ने अपने बच्चे को यूस्टाशिया की विचरी से बचाने के लिए यूस्टाशिया की शक्ल की एक गुड्डा बना लिया ना, वैक्स डॉल बना दी, एक गुड़िया बनाई वैक्स की, मोम की, फिर बनाकर स्टिकिंग इट फुल ऑफ पिन्स, उसके अंदर सारी पिन्स लगा दी उसने. बस ये किस्म का जादू करने का तरीका होता है, किसी भी औरत या मर्द की शक्ल का वो एक गुड्डा सा बनाकर फिर उसके अंदर फिर सोया डालते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं, तो उस शख्स को भी वैसी अजियत मिलती है जैसे सोया लगती है. ठीक है, तो एंड मेल्टिंग इट इन हर फायर प्लेस, और फिर उसने उसको पिघला दिया फायर प्लेस में, ये आग वाली जगह में. तो वाइल अटरिंग द लॉर्ड्स प्रेयर बैकवर्ड, और खुदा के जो कलमात हैं वो उल्टे पढ़ना शुरू किए उसने. ये जो जादू टोना करते हैं ये हॉली बुक को उल्टा पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, उल्टे लफ्ज़ करके पढ़ते हैं. ओके, तो दरहकीकत ये उल्टे लफ्ज़ पढ़ने का मकसद क्या होता है? गॉड को अब्यूज़ किया जाता है, और जब गॉड को अब्यूज़ किया जाता है तो गॉड के अपोनेंट कौन हैं? सैटनिक करेक्टर्स हैं, सैटन होता है. तो सैटन फौरन उस जगह पर पहुंचकर मदद करता है उस शख्स की जो वो कह रहा होता है, तो सैटन मदद करता है तो उस पर वो जादू चल जाता है. दैट इज एक्चुअली मैकेनिज्म. ओके, बाकी आप हदीका से पूछ लेना. यूस्टाशिया ड्रोन्स लेटर दैट नाइट, और उस रात को यूस्टाशिया जो है फिर डूब जाती है, मर जाती है. जिस रात को ये करती है ना इस तरह जादू वाला काम सुसन,
यूस्टाशिया के खिलाफ करती है, उसका गुड्डा वगैरह बनाती है, उसी रात ही यूस्टाशिया की भी डेथ भी हो जाती है। तो हमें एक एविडेंस मिलता है एंड दैट इज़ आल्सो मिस्टीरियस एंड वेग, क्लियर तो नहीं है कि यूस्टाशिया की डेथ वाकई इसी वजह से हुई है, लेकिन बस हमें एक एविडेंस मिलता है कि कुछ ना कुछ इस तरह से हुआ है या होता है। हार्डी कमेंट्स ऑन हर, हार्डी कमेंट करता है एक जगह पर। वैसे जादू का मामला बड़ा पुरसरार है, कुछ लोग कहते हैं दैट इज़ राइट और जादू होता है और किसी पर जादू हुआ है तो उसके साथ ये हो गया, आमिल ने ये करके दिखाया बताया कि वाकई जादू है, ये ठीक है। फिर दूसरे पर एक और आर्गूमेंट करने वाला शख्स होता है, वो कहता है अगर जादू बरहक है और होता है तो फिर यहाँ पर बैठा हुआ कोई शख्स ओबामा पर जादू कर दे, सुबह ओबामा आपके दरवाजे के बाहर ठहरा हुआ हो और जी मैं आपका दोस्त हूँ। सिर्फ बांग्लादेश का पाकिस्तान से मैच हो रहा था तो ये लोग सब यही कह रहे थे कि अफ्रीकी जो गिरे हैं तो ये बंगाली बाबा ने कुछ पढ़ा था, मुझे कहते हैं बाबा कुछ पढ़ा होता तो कहते हैं इसने जादू किया। अब बात तो ठीक है ना, अगर ऐसा होता है तो फिर यूँ भी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं फीस लेता हूँ हैं आप लोगों को पढ़ाने की, तो आप मेरे ऊपर जादू कर लें, बस एक घंटा दो घंटे दो दिन जादू करें, मैं रोजाना घर आया हुआ हूँ और जी क्या पढ़ना है, सिस्टम ऐसा हो जाए। पाकिस्तान को इतना जोर लगाने की क्या ज़रूरत है, फिर हम जादू कर लेते हैं जो दुनिया के एलिवेटेड जो लोग हैं उनके ऊपर, वो हमारे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। चाइना जितना कमाएगा सारा का सारा आधा हमें दे दिया करेगा, सऊदी वाले जितना कमाएंगे आधा हमें दे दिया करेंगे, वेरी सिंपल है अगर जादू वाकई होता है। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं जादू होता है लेकिन इतना भी नहीं होता अच्छा इनर हाँ ये बात भी सही है कि फायदे के लिए नहीं नुकसान के लिए। अक्सर लोग कहते हैं जी जिन आ जाते हैं तो मुझे जिन से डर लगता है, तो जिन मैंने देखा या जन मैंने जिन आ ना जाए जिन उसे हो गए हैं, मैं कि यार जिन हो जाते हैं या जिन होता है तो जिन आ जाए तो बंदा उसे नेगोशिएट करे, आ यार दो चार हमारे काम ही करे तेरी मेहरबानी यार, ठीक है। अगर जिन के अंदर कोई सेंस तो होगा उसे कहें यार कोई 10-20 करोड़ ही ले आ यार, साथ ही तो बैंक है, तो यही तो नहीं डरना ना, कितनी डरावनी होगी। सजनों को काबू करने के लिए वो चिल्ला कर मांगता जिन में कहना टीचर से ज्यादा डरावने नहीं होते होंगे ओके जी। कैप्रिशियसनेस, वंडरिंग तबीयत जो है, इनर पावर एंड कैप्रिशियसनेस, उसकी जो आवारा गर्द तबीयत थी और उसके अंदर जो ताकत थी, शी इज अ गॉडेस, वो एक देवी की तरह थी। इनर रेबिलियसनेस, और अपनी बगावत के अंदर आ टाइटनेस, वो एक फीमेल टाइटन की तरह थी। टाइटन किसे कहते हैं, जिन को कहते हैं। अच्छा ये टाइटन का लफ्ज कहाँ से आया है, ये ग्रीक से आया है, ग्रीक की मैथोलॉजी है, एक जिस तरह क्रिश्चियन की मैथोलॉजी है कि जी पहले बहुत सारे और नबी आए, फिर हमारा नबी क्रिश्चियन यानी कि क्राइस्ट आया, फिर आगे सिलसिला चला, इसी तरह उनकी अपनी मैथोलॉजी है। जिस तरह के आप हिंदू मैथोलॉजी जो जानते हैं ना, क्योंकि आप ड्रामास देखते रहते हैं कि जी पहले ईश्वर है तो उसके नीचे उतार हैं, उतार कृष्ण जी फिलां जी फिलां जी, वो आपस में फाइट करते हैं, या वो रावण है राम है, राम जी रावण को शिकस्त देता है, सीता को लेकर आता है, सीता गवाही देती है, ये एक मैथोलॉजी होती है, इसे कहते हैं मिथ या मैथोलॉजी, ठीक है। आप ये कहानियाँ सुन के थोड़ी सी हंसी भी आती है, ठीक है, जिस तरह आपको थोड़ी सी उनकी मैथोलॉजी देख कर हंसी आती है, इस तरह आपकी मैथोलॉजी देख कर भी उन्हें इतनी ही हंसी आती है, ठीक है, और ग्रीक वालों की मिथोलॉजी देखकर भी हमें इतनी ही थोड़ी सी हंसी आती है। उनकी मिथोलॉजी में ये है कि देवता थे, टाइटन्स थे, टाइटन्स और देवताओं की फिर आपस में लड़ाई हुई। टाइटन किस तरह के थे, एक पर्सनैलिटी है उसके 100 सर हैं, ठीक है,
वो बस टाइटन है, एक करैक्टर है, नीचे इंसान है, मुंह उसका बैल का है, टाइटन है, ठीक है। फिर वो एक मतलब एलिफेंट टाइप करैक्टर है, उसका मुंह ह्यूमन का है, पीछे एलिफेंट है, नीचे लॉन्ग लेग्स हैं, पतली लेग्स हैं उसकी, लंबी लंबी, ठीक है, और आसमान में ठहरा हुआ कोई करैक्टर है। तो इस तरह के टाइटन्स हैं, उनके साथ लड़ाई है। तो हमें लगता है कि ये रैबल है, और रैबल ऐसे जैसे टाइटन्स हों, यानी कि इंतहाई ताकतवर रैबल है, कोई बला हो जैसे। इनर सॉलिट्यूड एंड मिस्ट्री ऑफ विच, और अगर तन्हाई में देखें इसको तो उस वक्त ये हमें विच नजर आती है। तो ये देखिए, पहले हमने बात की है पावर और कैप्रिशियसनेस, आवारा गर्दी के अंदर ये कैसी नजर आती है, देवी की तरह, जैसे देवी घूम फिर रही हो, और अपनी बगावत के अंदर ये नजर आती है जैसे टाइटन हो, ताकतवर कोई रैबल हो। तन्हाई और पुरुषराजत में देखें तो हमें विच नजर आती है। एंड खेलोफेट्रा, खेलोफेट्रा ये इन हर प्राइड, शेक्सपियर का एक करेक्टर है खेलोफेट्रा, खेलोफेट्रा एक करेक्टर है शेक्सपियर का, शी इज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, तो अपनी प्राइड के अंदर खेलोफेट्रा जैसी है। प्राइड में अगर फखर की बात की जाए तो खेलोफेट्रा जैसा प्राइड है इसका। हर पैशन जज्बात में भी खेलोफेट्रा है, और अपने सिक्योर, और जब वो गुस्सा करती है किस पर, ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, जब कोई नतीजे जाते हैं सामने, जब कोई उसके हाथ से चीज़ जाने लगती है, जब कोई चीज़ खोने लगती है उसकी, उस पर जब वो गुस्सा करती है तो वो भी खेलोफेट्रा की तरह करती है। खेलोफेट्रा की तरह वो प्राइड है उसकी, खेलोफेट्रा जैसे जज्बात हैं, खेलोफेट्रा जैसा गुस्सा है, सिंपल। सो दिस वाज इस्टाशिया, एंड वेदर द नावल इज एंडेड नाउ, और अब बाकी रहेगा टेस्ट।